नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूपी इंग्लिश डिस्ट्रीब्यूटिव पेपर में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ आत्मनिर्भर भारत ऐप के बारे में बताने वाला हूँ। इसको आप कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे डाउनलोड करेंगे और क्या इसका फीचर है, क्या फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर खोल लेना है और इसमें लिखना है आत्मनिर्भर। तो इस ऐप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, वहाँ पर आप जाएंगे और वहाँ पर आप जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे हमने आत्म लिखा है वैसे बहुत सारे यहाँ पर आ गए हैं, तो आपको ये वाला यहाँ पर टाइप कर देना है आत्मनिर्भर भारत, ये आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। तो चलिए इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो दोस्तों, थोड़ा नीचे आपको आना है और नीचे आपको आना है और ये वाला जो ऐप है ये वाला आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है। ये ऐप आपको इंस्टॉल करना है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो इसको चलिए ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस तरह का ऐप है और यहाँ पे आप शपथ ले सकते हैं, प्लेज कर सकते हैं कि आप इंडियन ऐप्स का इस्तेमाल करेंगे और देश की जो इकनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसको मजबूत करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे लिखा है अपलोड फ़ोटो, यहाँ पे आपको चले जाना है अपलोड फ़ोटो में और यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड, जहाँ पर अपलोड फ़ोटो लिखा है वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए, मैंने कर लिया है। अब यहाँ से फ़ोटो आप नहीं ले सकते हैं, तो यहाँ से हमने फ़ोटो ले ली है। और दोस्तों, यहाँ पे क्रॉप कर लेंगे, जो सबसे ऊपर राइट साइड में आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्रॉप की बटन आ रही है। एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं, ये देखिए सबसे ऊपर, तो इस पर हम लोग को क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर आ गया है। टेम्पलेट भी आप चूज़ कर सकते हैं, देखिए बहुत सारी यहाँ पर टेम्पलेट है, जो भी टेम्पलेट आपको पसंद आती है ये भी आप चूज़ कर सकते हैं, ये चूज़ कर सकते हैं, ये चूज़ कर सकते हैं, ये है। इसके अलावा इधर साइड में भी है, आपको इधर लेफ़्ट की तरफ स्वाइप करना है, ये वाली टेम्पलेट भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, हम उसको ये वाली सही लग रही है, हम आपको दिखा रहे हैं, ये वाली टेम्पलेट हमको सही लग रही है, तो इस पर हम लोग क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस तरह ये एक फ़ोटो ऐसी बन जाती है। इसको आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को, यहाँ पर सबसे नीचे वाले बटन पर आपको आ रहा है शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो दोस्तों, यहाँ व्हाट्सएप वगैरह पर शेयर कर सकते हैं, कहीं पे भी शेयर करना चाहें कर सकते हैं। तो चलिए शेयर करके आपको दिखाते हैं। तो इस तरह ये फ़ोटो यहाँ पे चली जाएगी और साथ में इस ऐप का जो लिंक है वो भी यहाँ पर चला जाता है। तो दोस्तों, इस तरह आप समाज के बीच एक जागरूकता बना सकते हैं कि अब समय आ गया है कि हम लोग विदेशी ऐप का इस्तेमाल ना करें और देसी ऐप का इस्तेमाल करें, जिससे जो भी इनकम होती है, जो भी पैसा मिलता है वो देश के लोगों को मिले और यहाँ पर रोज़गार बढ़े और खुशहाली आए। और दोस्तों, विदेशी ऐप्स को इस्तेमाल करने में कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि उससे नुकसान है कि जो रेवेन्यू पैदा होता है, जो पैसा पैदा होता है, वो विदेशियों के हाथ में चला जाता है। इसलिए हम लोग को देसी ऐप्स को ज़्यादा यूज़ करना चाहिए और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी ये मिशन मूवमेंट चलाया हुआ है, जिसके अंतर्गत वोकल फॉर लोकल और जो हमारा देश है उसको आत्मनिर्भर बनाना है, आत्मनिर्भर भारत की बात सब लोग कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरह आप लोग भी इस ऐप को इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसमें क्या क्या फीचर है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इंडियन ऐप्स हैं उसके बारे में भी आपको यहाँ पे जानकारी मिल रही है, जैसे आरोग्य सेतु है, इस तरह के जो ऐप्स हैं, इंडियन ऐप्स हैं, उसके बारे में भी आपको यहाँ पर जानकारी मिल रही है। भीम ऐप है और जियो टीवी है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। डिजी लॉकर है, डिजी लॉकर वाला ऐप है, मित्रों का ऐप है, कागज़ स्कैनर है, लूडो किंग है, इस तरह बहुत सारे यहाँ पर आपको ऐप मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इस ऐप को इसलिए बनाया गया है जिससे इंडियन ऐप्स के बारे में लोगों को पता चल जाए, क्योंकि अभी कुछ महीने के अंदर बहुत सारे इंडियन ऐप्स मार्केट में आ गए हैं और बहुत से लोग को इसके बारे में जानकारी भी नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह यहाँ पर इंडियन ऐप्स आपको मिल जाएंगे और बहुत सारी यहाँ पर कैटेगरी है, मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सी कैटेगरी है। एक सोशल वाली कैटेगरी है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो देखिए, सोशल वाले जितने ऐप हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। नीचे आपको स्क्रॉल करना है, चिंगारी है, कू है, ये सारे हेलो है, ठीक है, ये सब इंडियन है। फिर उसके बाद दोस्तों, इंटरटेनमेंट, यदि आप मनोरंजन करना चाहते हैं, इंटरटेनमेंट चाहते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर मिल रहा है, इस पर भी आपको क्लिक कर देना है। देखिए, जियो टीवी है, टीवी ऑफ प्ले है, राज कॉमिक्स है, इस तरह आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको और स्वाइप करना है राइट की तरफ और ये लोकल वाले ऐप आपको मिल जाएंगे।
फार्म फ्रेश है, नेचर है, इस तरह के सारे ऐप आपको मिल जाएंगे जहाँ से आप अपना सब्जियाँ ऑर्डर कर सकते हैं, फूड ऑर्डर कर सकते हैं। यूटिलिटी है, आरोग्य सेतु है, भीम है, माई जियो है, यूलू है, रैपिडो है, ठीक है, इस तरह के आप सारे ऐप मिल जाएंगे। आप गेम खेलना चाहते हैं तो इस पर आपको आ जाना है, ठीक है, ये गेम पे आ जाना है तो यहाँ पे आपको गेम मिल जाएंगे खेलना, बहुत सारे आपको गेम मिल जाएंगे। फिर आपको लेफ़्ट की तरफ स्वाइप करना है, शॉपिंग वाला देखिए, ये शॉपिंग वाला सेगमेंट है, इस पर करेंगे तो बहुत सारे शॉपिंग ऐप्स आ जाएंगे, जैसे स्नैपडील है, पतंजलि है, बेवकूफ़ है, ठीक है, हेल्थ वाले पे आ जाएंगे। तो दोस्तों न्यूज़ है और बहुत सारे यहाँ पे कैटेगरी है, बिजनेस बिजनेस वाली कैटेगरी भी है, खाता बुक है इसमें। तो दोस्तों जो भी ऐप इंस्टॉल करना चाहते हैं, डायरेक्ट आपको यहाँ पे लिंक मिल रहा है, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ पे मालूम पड़ जाएगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर इस ऐप का ये फ़ायदा है कि जो नए यूज़र्स हैं उनके बीच में प्रमोशन करना इंडियन ऐप्स के बारे में, क्योंकि बहुत सारे अभी कुछ महीने के अंदर बहुत सारे इंडियन ऐप्स मार्केट में आ गए हैं जिसके बारे में अभी लोगों को नहीं पता है, इसलिए इस ऐप को बनाया गया है, आप लोग भी इसका इस्तेमाल करें। और दोस्तों समय आ गया है कि हम लोग विदेशी ऐप का इस्तेमाल ना करें और हम लोग देसी ऐप्स का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों इसकी पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है, किस तरह इसमें आप अपना DP शेयर कर सकते हैं, किस तरह प्लेज ले सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया है। और दोस्तों इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।